आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। होटल रमाडा के चेयरमैन नंदकिशोर मगरानी के निधन के बाद अब उनके सपनों को उनके सुपुत्र सुनील मगरानी पूरा कर रहे हैं। सुनील मगरानी अपने पिता की याद में ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ मिलकर सृष्टि नामक फीचर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का उद्घाटन होटल रमाडा में किया गया। शहर के प्रमुख उद्योगपति और रमाडा होटल के चेयरमैन नंदकिशोर मगरानी के निधन के बाद अब उनके सपनों को साकार करने में उनके सुपुत्र सुनील मगरानी जुटे हुए हैं। नंदकिशोर मगरानी साहब का निधन 9 सितंबर को पुणे में हो गया था। जिस तस्वीर को आप सभी देख रहे हैं वो तस्वीर स्वर्गीय नंदकिशोर मगरानी साहब की ही है। नंदकिशोर मगरानी की याद में उनके सुपुत्र और रमाडा के MD सुनील मगरानी ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ मिलकर सृष्टि नामक फीचर फिल्म बना रहे हैं। मेरे पूज्य पिताजी श्री नंदकिशोर जी के लिए एक फिल्म हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। आज उसका पूरा समारोह संपन्न हुआ और दुआ करते हैं कि जो फिल्म है वो बहुत अच्छी निकल के आए और अपनी अपनी फिल्म का नाम है षष्ठी चक्र, तो उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है षष्ठी के बारे में, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये नंद का जो सपना था, नंदकिशोर का जो सपना था कि सृष्टि पे फिल्म बने, ब्रह्म कुमारी वाले जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारी ये इच्छा है कि जो उनकी अंतिम इच्छाएं थे वो पूरी हों। आगरा वालों को नहीं, पूरे विश्व को लाभ होगा जो भी इस फिल्म को देखेंगे, जो भी इसके दर्शक बनेंगे साक्षात देखेंगे। सृष्टि के ऊपर, सृष्टि चक्र के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है और मंगरानी जी जो रमाडा के मालिक रहे हैं जिनका देहांत हो गया, उनका एक सपना था कि सृष्टि के ऊपर कोई फिल्म बने। तो ये फिल्म जब बनेगी तो पूरा सृष्टि चक्र आखिर है क्या देखने को मिलेगा, पूरा हर कोई लाभान्वित हुआ। और रही बात आगरा की, तो आगरा को भी बहुत बड़ा लाभ हो चुका है। जिन महिलाओं को आप सभी सफ़ेद साड़ियों में देख रहे हैं वो सभी महिलाएं ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई अलग अलग जनपदों से आई हुई सदस्याएं हैं। इसके साथ ही जिन 5 लोगों को कुर्सी पर बैठे हुए देख रहे हैं उसमें नीले कोट में MD सुनील मगरानी है, उनके बगल में संस्था से जुड़ी BK शीला बहन जी, तीसरे नंबर पर MD सुनील मगरानी के चाचा महेश मगरानी हैं, तो वहीं चौथे नंबर पर इस फीचर फिल्म सृष्टि की अभिनेत्री गुजरात की पल्लवी हैं, जबकि सबसे अंत में फिल्म के डायरेक्टर पंपोज मिश्रा हैं। एक्चुअली ये फिल्म जो है ना, जो ब्रह्मा कुमारीज जो है, तो ये फिल्म की स्टोरी ये है कि एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी क्या है। कुछ लोगों को ज्ञान देते हैं तो जो ज्ञानी लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनको नहीं पता है ना। तो ये फिल्म जो है पूरी सृष्टि चक्र पे है, जो 5000 साल का सृष्टि चक्र जो होता है उस पर ये पूरी फिल्म की स्टोरी है। और इससे क्या होगा कि इतना मोटिवेशन मिलेगा आम पब्लिक के लिए, ठीक है। अब जैसे जो लोग ज्ञान में है वो तो है ही, बट जो बाहरी पब्लिक है उनके लिए ये मतलब रियल गॉड क्या है उसकी पहचान होगी। इस फिल्म में मेरा जागृति का किरदार है, जो कि जो मेन लीड कैरेक्टर है उसकी बहुत फास्ट फ्रेंड है, और ये बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है। पेशे से साइकेट्रिस्ट है, जो भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती है, और क्योंकि जो लीड कैरेक्टर है उसके अपने माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं है, तो उसका इसके जागृति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी सारी फीलिंग, सारे सपने, जो भी कुछ है वो उसके साथ शेयर करती है, और ये हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसका। देखिए, परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता है, परमात्मा कौन है, क्या है, हम कहाँ से आए, हमारा पता कहाँ है। तो इस फिल्म द्वारा हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया जिस परमात्मा को ढूंढ रही है वो असल में परमात्मा है कौन, वो रहता कहाँ है, और फिर वो आकर के करता क्या है। तो ये पूरी थीम जो है वो उस पर है। और फिर एक सृष्टि चक्र जो है, हम बोलते हैं 84 लाख साल हो गए हैं, तो असल में सृष्टि चक्र क्या इतना लंबा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई और कितने साल ये दुनिया चलेगी, तो ये दुनिया कितने साल चलती है, क्या चलती है, इस पर ये पूरी फिल्म है।
हॉल में कार्यक्रम करने के बाद फिल्म का मुहूर्त नारियल फोड़कर एमडी सुनील मगरानी ने होटल के रेस्टोरेंट में किया। इस दौरान फिल्म के कुछ अंश होटल के रेस्टोरेंट में ही शूट भी किया गया। इस फिल्म में आगरा के कलाकारों को भी जगह मिल रही है। फिल्म की पटकथा पिछले 6 वर्षों से लिखी जा रही थी, जिसे स्वर्गीय नंदकिशोर मगरानी लिख रहे थे, लेकिन अभी 1 माह पहले इसकी पटकथा पूरी हुई है। नंदकिशोर मगरानी को गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शौक था। वो कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे। मगरानी साहब का सपना था कि यह फिल्म बनाई जाए। फिल्म 15 दिन में पूरी हो जाएगी। मुहूर्त की पूरी जिम्मेदारी होटल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर सुमंत कटारा ने संभाली। विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।